आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आज के लेक्चर में हम लोग फिर से नंबर सिस्टम का सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में और डेसिमल में बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं और ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे, डेसिमल टू हेक्सा कैसे करेंगे और हेक्सा टू डेसिमल कैसे करेंगे। तो हम लोग चले वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल, राइट। डेसिमल टू ऑक्टल करना है, डेसिमल नंबर दिया रहेगा आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप ऑक्टल नंबर की पोजिशनल वैल्यू को देख लें। मान लें ये 765 है, ठीक है। इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2, ये पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो है इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा, तो इसको हम पोजिशनल वैल्यू कहते हैं। चलें एक एग्जांपल लेते हैं पहले डेसिमल का, ठीक है। एक डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने 266, ये क्या हमारे पास, ये डेसिमल नंबर है। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल वैल्यू इनटू ऑक्टल वैल्यू, ओके। सो फॉलो द स्टेप हियर, 266 यू हैव टू डिवाइड बाय 8 बिकॉज द ऑक्टल, द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8। सो 8 2 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी 26, 8 3 जा 24, यहाँ कितना बचा 2, ठीक है। फिर 8 को डिवाइड करेंगे, 8 कर सकते हैं, 8 4 जा 32, तो कितना हो गया हमारा 1 बचा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, 8 0 0, कितना बचा 4, तो आंसर क्या है हमारा 4 1 2, और हम इसको बेस में कितना डाल देंगे 8। अब देख सकते हैं 266 का बेस 10 था, इसका जो ऑक्टल वैल्यू आया कितना आया 4 12 बेस 8, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका इजी वे में, ठीक है। 3 5 5, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। आपको यहाँ फिल करना है ऑक्टल नंबर पे, ठीक है, बहुत सिंपल है। 3 5 5 को आप निकालें ऐसे करके 8 से, 8 4 जा 32, कितना बचा यहाँ पे 3 35, 8 4 जा 32, कितना बचा 3। फिर यहाँ पे क्या होगा, 8 5 जा 40, कितना बचा यहाँ पे 4, अब तो नहीं जाएगा, तो 8 0 कर दें, यहाँ पे 5 बचा। तो हमारा, आपको पता है ये इस तरीके से जाता है नीचे से ऊपर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 4 3, राइट, 5 4 3, तो क्या हो गया इसका बेस 8 हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी वैल्यू दिया रहेगा आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, ये मेथड सबसे आसान है, ठीक है। चलें तो पहला हमारा डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, अब हम क्या करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल करते हैं, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। तो ऑक्टल मान ले हमारा कितना आया था 412, ये हमारा ऑक्टल है, इसको क्या करना है हमें, डेसिमल करना है, ठीक है ना। ऑक्टल हमारा क्या है, ऑक्टल हमारा 412 है, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में करना है। तो हम किस मेथड से करेंगे, इसकी पोजिशनल वैल्यू से 4 into 8 का पावर कितना हो जाएगा 0 1 2, कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 into 8 का पावर 1, प्लस 2 into 8 का पावर 0। आप देखें इसको मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने यहाँ पे लिखा और 2 को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, इस तरीके से। और 8 यहाँ देखें 0 1 2, इसकी पोजिशनल वैल्यू हो गई। सॉल्व करते हैं, 4 into 8 का पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 1 into 8, प्लस 2 into 8 का पावर 1, तो 64 जा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 1 25, 256, प्लस 8 प्लस 2, जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ने से कितना आ जाएगा 8 2 10 10 6 16, कैरी 1 1 5 6, और ये 266। अब देख सकते हैं अभी हम लोगों ने निकाला था 266 का ऑक्टल नंबर कितना निकला 412, और 412 को हमने फिर से निकाला तो कन्वर्ट होके वहाँ उतना ही आ गया, दैट मीन्स हम लोग का आंसर सही है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, 24.6 का बेस 8 है, इसको हमको फाइंड करना है डेसिमल में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, 2 into 8 का पावर 0 1 हो गया, प्लस 4 into 8 का पावर कितना हो गया 0,
एट का पावर ज़ीरो हो गया प्लस सिक्स इंटू एट का पावर माइनस वन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टू इंटू एट प्लस फोर इंटू एट का पावर ज़ीरो वन प्लस सिक्स इंटू वन का पावर बाई एट हो जाएगा, क्योंकि एट का टू द पावर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, वन बाई एट। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, सिक्स इंटू वन बाई एट, इसको हम कैसे, टू थ्री जब टू फोर जब एट, तो थ्री बाई फोर आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। कैसे आप देखें, इसको डिवाइड करें, पॉइंट दिया जीरो, फोर सेवन जै 28 और यहाँ बचा टू, फिर पॉइंट आया तो जीरो, फोर फाइव जै 20, तो कितना आ गया हमारे पास 0.75। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, टू एट जै 16 प्लस फोर प्लस 0.75, तो कितना है, 16 और चार 20.75, ये हमारा क्या चीज आ गया, डेसिमल, ठीक है, 20.75 इसका डेसिमल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल भी निकाल सकते हैं और डेसिमल टू ऑक्टल भी। हमने आपको दोनों एग्जांपल दिखा दिया, एक पॉइंट वाला भी हमने दिखाया। अब आप क्या करें, आप इसको और दूसरे एग्जांपल से लेकर आप दूसरे एग्जांपल को लें और उसको आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चले अब हम बढ़ते हैं डेसिमल टू हेक्सा की तरफ। अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू हेक्सा। हेक्सा आपने देखा, हेक्सा का वैल्यू जो होता है उसकी पोजिशनल वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, सबका सेम है। इस तरीके से जो है हेक्सा का जो पोजिशनल वैल्यू शुरू होती है। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास है 423, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेसिमल, इसको निकालना है हेक्सा में। हेक्सा का बेस कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो हम देखें पहले, अब इससे बहुत सिंपल है, 423 को हम कितना से करेंगे, 16 से करेंगे। यहाँ देते हैं 16 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 42 है, तो 2 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 16 टू जा 32, 16 दूना 32, कितना बचा, 10, और 10 बचा और यहाँ 3 हो गया, तो कितना हो गया, 103, ठीक है। तो 16 छः 96, कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 16 1 जा 16, कितना बचा, 10, तो क्या हमारा आया, 1 10 7, बट वी कैन नॉट राइट 10 हेयर इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, याद करें आप, 1A7, इसलिए मैंने बताया था 0 to 9 तो होता है, लेकिन 10 की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है ना, BCDEF, ठीक है ना, 10 11 12 13 14 15, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो 10 की जगह हम क्या लिखें, ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1A7, बहुत सिंपल। इस तरीके से 423 का डेसिमल का क्या हो गया, हेक्सा, 1A7 हो गया, ठीक है। चले एक और एग्जांपल, 214, इसका हमारा बेस कितना है, 10, इसको निकालें, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 16 से, 214, ठीक है। तो कितना से देंगे इसको हम, 16 वन जा 16, कितना बचेगा इसमें, 21 में जाएगा तो 5 बचेगा, आप देख लें ऐसे करके, अगर मैथ्स में नहीं समझ में आता किसी को, तो 16 एकम 16, कितना बचा, 5, और ये 4 यहाँ बता दिए, अब कितना बढ़ जाएगा ये, 16 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 16 3 जा 48, कितना बचेगा, 14 9 8 6, कितना बचा यहाँ पे, 6, ठीक। अब तो ये जाएगा नहीं, तो 16 0 जा 0, कितना बचा, 13, ठीक है। तो हमारा क्या आया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13, ये वाला 13 और ये वाला 6, तो 13 को हम क्या लिखेंगे, आप याद करें, ABCD, ठीक है ना, ABCD, 10 11 12 13, तो 13 की जगह क्या लिखेंगे, D6, तो आंसर क्या आया, D6, बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम डेसिमल टू हेक्सा भी कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हेक्सा टू डेसिमल कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, ये हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर है, इसको हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या, 3 इंटू 16 का पावर कितना हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 इंटू 16 का पावर कितना हो जाएगा, 1, प्लस 6 इंटू 16 का पावर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखें 3 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256, राइट, प्लस 5 इंटू 16 का वैल्यू पावर 1 है 16, प्लस 6 इंटू 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 6 18 8, कैरी 1, 3 5 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 2 6 7 7, 7 6 8, प्लस 16 5 80, प्लस 6, इसको ऐड करते हैं अब, 6 8 और 6 कितना हो गया, 14, कैरी 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर किसको जोड़ेंगे, 8 6 14
14 वन 15 कैरी 1 7 और 7 और 1 8 तो 854 आ गया हमारा क्या चीज 854 हमारा आ गया इसका बाइनरी डेसिमल नंबर सॉरी डेसिमल नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप डेसिमल हेक्सा टू डेसिमल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर में हमने कन्वर्ट किया डेसिमल टू ऑक्टल, फिर हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल टू डेसिमल, फिर हमने कन्वर्ट किया डेसिमल टू हेक्सा, फिर हमने कन्वर्ट किया हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, मैंने बहुत ब्रीफ में एग्जांपल दिया, आपको अगर समझ में आ गया या आप में से बहुत लोग होंगे जो इसको जानते होंगे, लेकिन आप क्या करें और लेंदी लेंदी क्वेश्चन जो है और आप क्वेश्चन को पिक करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।